और गाइस आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपकमिंग हीरो स्किन्स को लेकर। सो गाइस आप सबको पता होगा अभी नवंबर का सीजन स्टार्ट होने वाला है, उसमें हमें एक न्यू हीरो का स्किन देखने को मिलेगा। लेकिन गाइस उस पे आए उससे पहले मैं आपको वीडियो के अंदर पायरेट वार्डन का मसला समझा देता हूँ। सो गाइस आप सबको पता ही होगा कि पायरेट वार्डन का जो स्किन है वो मतलब जितने भी वार्डन के स्किन है उनमें से एक बेस्ट स्किन कहा जाता है, क्योंकि उसके पास जो आपको पैरेट भी देखने को मिलता है जो कि इकलौता पेट है स्किन्स के मामले में। सो बेसिकली जो पायरेट वार्डन का स्किन है वो अल्टीमेट स्किन कह सकते हो आप वार्डन के मतलब जितने भी स्किन्स है उनमें से। सो बेसिकली गाइस आप सबको पता ही होगा कि पायरेट वार्डन का स्किन जो है इस मंथ के अक्टूबर में आना चाहिए था, क्योंकि क्लैश ऑफ क्लैन ने कहा था कि जितने भी गोल्ड पास के स्किन्स होते हैं उनको वो एक साल बाद जो है कॉस्मेटिक टैब में प्रोवाइड कराएंगे फॉर परचेसिंग विद जेम्स, मतलब आप 1500 जेम्स उन्हें परचेस कर सकते हो। बट बेसिकली अभी आया नहीं है। सो गाइस इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे जो क्लैश ऑफ क्लैंस है उन्होंने ये कहा कि एक साल बाद आएगा, मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि एक साल बाद उसी डेट पे एग्जैक्टली आएगा, एक साल बाद वो कभी भी रिलीज़ कर सकते हैं ऐसा उनका कहना था। सो गाइस अभी आप कब एक्सपेक्ट कर सकते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाइस आपको पता ही होगा हैलोवीन अपडेट आ के जाने वाला है, बट अभी तक पायरेट वार्डन का स्किन नहीं आया। सो गाइस अभी आता है नवंबर सीजन, तो नवंबर सीजन में जब आपको गोल्ड पास का न्यू स्किन देखने को मिलेगा तभी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कॉस्मेटिक टैब में जो पायरेट वार्डन प्रोवाइड करा दे क्लैश ऑफ क्लैंस, या फिर अगर नवंबर में प्रोवाइड नहीं कराती है तो एक ही टाइम बचता है वो है विंटर का अपडेट जो कि मेगा अपडेट होता है, तो उस टाइम भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे अभी बात करेंगे अपकमिंग जो हमारा हीरो स्किन आने वाला है नवंबर 2020 के गोल्ड पास में। सो गाइस आप सबको पता ही होगा कि हमारे क्लैश एनिवर्सरी में जो हमें दिया गया था पार्टी क्वीन का स्किन, फिर हमें रॉयल चैंपियन का स्किन दिया गया जिससे ग्लैडिएटर सेट जो था वो हमारा कंप्लीट हो गया है, और फिर इस मंथ जो है अक्टूबर में हमें वार्डन मास्टर का स्किन दिया गया जो कि इंस्पायर्ड था चाइनीज़ न्यू ईयर से जो भी फेस्टिवल है उससे। सो बेसिकली गाइस अभी नवंबर में जो है आपको किंग का स्किन देखने को मिलेगा, क्योंकि बार्बन किंग इकलौता हीरो है जिसको अभी तक स्किन नहीं मिला पिछले 3 महीने से। सो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि बार्बन किंग का एक न्यू स्किन लेके आएगी क्लैश ऑफ क्लैंस नवंबर के गोल्ड पास में। अभी गाइस यहाँ पे जो स्किन का इमेज है वो अभी तक यहाँ पे रिलीज़ नहीं हुआ है या फिर सोर्सेस से भी मुझे नहीं मिला है, लेकिन गाइस यहाँ पे जो स्किन का इमेज होता है वो 3 दिन पहले लीक हो जाता है या फिर सोर्सेस के थ्रू मिल जाता है। सो गाइस वो मैं जो आपको सावरन गेमिंग YT जो मेरे इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पे शो कर दूंगा, या फिर आप सब्सक्राइब करके रखो और कम्युनिटी पोस्ट में भी आपको देखने को मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड करने से पहले मैं कुछ यहाँ पे आपको बार्बन किंग के स्किन्स के अच्छे कॉन्सेप्ट शो करता हूँ जो कि क्लैश मेक में यहाँ पे सबमिट किए गए थे। सो गाइस उनमें से एक है इन्फर्नो किंग का कॉन्सेप्ट, फिर आता है केव बार किंग और कल्टिस्ट किंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट है, जो कि अपने आप में तीनों के तीनों स्किन्स बहुत ही मतलब गुड लुकिंग है और इन पे जो है बहुत ज़्यादा वोट्स पड़े थे क्लैश मेक पे। सो गाइस वीडियो को यहीं पे एंड करते आए हूँ। आप सबको वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को नीचे लाइक कर दो, अगर गाइस आपको चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप क्लैशिंग। Ha ha ha!